न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। सिंगरौली जिले में कई जगहों पर चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। डेढ़ घंटे की हुई बारिश से इलाका तरबतर हो गया। तूफान के असर से कई कच्चे मकानों के खप्पर भी उड़ गए, गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें रीवा संभाग को भी शामिल किया गया है। पिछले 4 से 5 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 25 मई से नौतपा लगा हुआ है, इसके बावजूद पारा बेअसर है। शादी विवाह में आंधी पानी तूफान ने मुसीबत को बढ़ा दिया है। कई जगह लाइट गुल हो गई, उमस से लोग परेशान हैं। कई गांव में बिजली के पोल तक गिर गए। जिले में पिछले 4 से 5 दिनों में मौसम ने अपना रंग बदला है। 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन अचानक बादल, आंधी, चक्रवाती तूफान, बारिश कई लोगों के लिए कहर बनकर टूटी है। शादी विवाह में लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत रीवा संभाग को भी अलर्ट कर दिया था कि चक्रवाती तूफान का असर आंधी बारिश में भी हो सकता है। पहले दोपहर में बारिश हुई और उसके बाद शाम होते ही तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफान का असर रहा। कई जगहों पर घंटों मूसलाधार बारिश भी हुई। आंधी और तूफान से कई जगहों पर पेड़ पौधों के अलावा बिजली के पोल भी उखड़कर जमीन पर गिरे। कई गांवों की लाइट भी शाम से बंद है। बैढ़न शहर इलाके में आधी रात से लाइट बंद है। इस समय शादी विवाह के सीजन में तूफान ने भारी मुसीबत पैदा कर दी है। तो वहीं झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वालों पर भी तूफान ने कहर ढाया है।